मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ पुदीना टमाटो चटनी, जो डोसा, चावल, पराठे किसी के भी साथ खाओ बहुत टेस्टी लगता है। साउथ इंडियन स्पेशल पुदीना टमाटो चटनी। इसके लिए मैंने लिया है पुदीना। पुदीना ये मेरे गार्डन का है, अभी मैंने पत्तियाँ नहीं तोड़ी है। पत्तियाँ तोड़ने के बाद ये 2 कटोरी है, उसके बाद 4 टमाटो है, फिर उसके बाद हरी मिर्च है अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, कुछ लहसुन की कलियाँ हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 1 स्पून चना दाल, 1 स्पून उड़द दाल, हल्दी 1/2 स्पून है, फिर उसके बाद तिल्ली है, 1 करियापत्ते का स्ट्रिप है, फली 3 स्पून है, हींग, जीरा, सरसों, सूखी मिर्च ये तड़का लगाने के लिए है, नमक और ऑयल है, 1 प्याज डालना है वो ऑप्शनल है, मैंने दिखाना भूल गई। अब उसके बाद मैंने पैन रख के गरम किया, उसमें डाला है 3 स्पून फलीदाना डाल के मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। जैसे ये थोड़ा भुन जाएगा इसमें मैं डालूंगी तिल्ली। तिल्ली बहुत जल्दी भुन जाता है इसलिए बाद में डालना है। तिल्ली डाल के मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। जैसे ये भुन गया मैंने उसे निकाल लिया। सेम पैन में मैंने डाला 1 स्पून ऑयल, इस चटनी में ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है। फिर मैंने डाला है चना दाल, उड़द दाल 1-1 स्पून है, फिर लहसुन की कलियाँ, उसके बाद मैंने डाला है हरी मिर्च। हरी मिर्च काट के डालना और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल के मैं इसको थोड़ा सा भून रही हूँ। जैसे ये थोड़ा भून जाएगा अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। प्याज ऑप्शनल है, मैं लिस्ट में दिखाना इसको भूल गई थी। अब डाल के मैं इसको अच्छे से मिला रही हूँ। जैसे ये थोड़ा सा पक जाएगा इसमें मैं डालूँगी बाकी चीज़ें। ये चटनी बहुत जल्दी बनता है, बहुत टेस्टी है, डाइजेस्टिव है, इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है क्योंकि ये पुदीना से बन रहा है। ये साउथ इंडियन स्पेशल चटनी है। अब मैंने इसमें डाला है टमाटो। टमाटो डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जब ये थोड़ा सा पक जाएगा उसमें मैं डालूँगी हल्दी। हल्दी 1/2 स्पून है। हल्दी डाल के अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालना। नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाता है। अभी मैं डाल रही हूँ पुदीना। पुदीना तोड़ने के बाद 2 कटोरी है। पुदीना चटनी है इसलिए इसमें पुदीना थोड़ा ज़्यादा लगेगा पर बहुत टेस्टी भी लगेगा। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जब ये थोड़ा सा पक जाएगा मतलब पुदीना पूरा गल जाएगा मैं गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे प्लेट में निकाल के इसे मैं ठंडा करूँगी। ठंडा करके फिर मैं इसको ग्राइंड करूँगी। ये बन गया है। ये चटनी जैसे कि आप बना के रखोगे तो फ्रिज में रखोगे तो 1 हफ्ते तक चलेगा, अगर फ्रिज में नहीं रखोगे तो 3 दिन तक चलेगा। अब इसको मैं निकाल रही हूँ। अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी। अब मैंने लिया है मिक्सी का जार। जार लेके फली और तिल्ली इसका पाउडर मैं बना लूँगी। इसका पाउडर बनाने के लिए मैंने जार में डाला है। पाउडर बन गया है, मैं इसको निकाल रही हूँ। अब सेम उसी जार में मैं डाल रही हूँ टमाटो और पुदीने का पेस्ट डाल के मैं इसको भी ग्राइंड कर लूँगी। फाइन पेस्ट बना लेना है एकदम चटनी जैसा। ये चटनी गर्मी के दिनों में बहुत फ़ायदेमंद है। अब ये हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फली और तिल्ली का पाउडर डाल के मैं एक बार और ग्राइंड करूँगी। बस चटनी बनके हो गया है। मैं इसको निकालूँगी सर्विंग बाउल में। सर्विंग बाउल में निकाल के अब मैं इसमें लगाऊँगी तड़का। तड़का लगाने के लिए मैं रखी हूँ पैन। ये गर्मी में बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे हमें गर्मी लगता है तो बॉडी को ठंडक पहुँचाता है। मैंने इसमें डाला है 1 स्पून ऑयल। उसके बाद सारी तड़का वाली चीज़ें डाली है जैसे जीरा, सरसों, सूखी लाल मिर्च, करियापत्ती, हींग डाल के मैं इसको चटनी पर डालूँगी। ये पुदीना टमाटो चटनी चाहे डोसा हो, इडली हो, स्टीम राइस हो, पराठा हो, स्नैक्स हो, सबके साथ बहुत टेस्टी लगता है। तो आप भी इसे बनाइए, बताइए। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।